Today we will discuss about the heat and the concept regarding heat. So first of all, I am going to tell you about the old concept of heat, that how can we define heat in terms of classical idea. So mostly it has been asked that what is the difference between classical ideas and modern ideas, and what were the two different theories regarding heat. So first of all, I am going to tell you the classical idea of heat, and which was given by the Calorie scientist. So beta, according to the classical idea, heat was considered as a vacuous fluid. How it is vacuous fluid? Because heat is just like a fluid. According to that concept, heat is a fluid. फ्लूड है जिसका कोई वेट नहीं है, इस वजह से इसका नाम क्या था, वेटलेस फ्लूड. वेटलेस फ्लूड का मतलब क्या है कि उसका कोई वजन नहीं होता है, मतलब वेटलेस. वेटलेस किसको बोलते हैं कि हीट एक फ्लूड है लेकिन उसका कोई भी वजन नहीं है. इस वजह से क्लासिकल आइडियाज में हीट का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हीट जो हमारी है वो कौन सी फ्लूड है बेटा, वेटलेस फ्लूड है. और इस वेटलेस फ्लूड को हम और भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेटलेस फ्लूड इज आल्सो कॉल्ड कैलोरिक फ्लूड. इसका दूसरा नाम क्या था, कैलोरिक फ्लूड. उसके बाद एक साइंटिस्ट आया काउंट रमफोर्ड, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, सपोज बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज ये एक दीवार है बेटा, इस दीवार में से आपने ये एक निकल ये या आप जो एक मिसाल तो कोई छोटी सी चीज़ इसके अंदर आप ड्रिंक करना चाहते हो, तो यहाँ से आपने सपोज एक नीडल उठाया, ये एक नीडल है सपोज छोटा सा नीडल है, और यहाँ पे आपने एक कहना ड्रिलिंग मशीन उठाई, सपोज ये एक ड्रिलिंग मशीन है बेटा, सही है. अब जब हमने इसको ड्रिलिंग मशीन उठाई तो जब ड्रिलिंग किया इसको तो इसके बाद ये कुछ गर्म हो गया, जो ये कोका था ना हमारा, ये कोका क्या हो गया, ये कील जिसको हम कील बोलते हैं उर्दू में, ये कील क्या हो गया, गर्म हो गया जब इसको हमने ड्रिल किया. देखो बेटा कभी भी किसी चीज़ को आप जब ड्रिल करते हो तो जिस जगह पे आप ड्रिल करते हो ना वो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाती है. तो देखो वो गर्म क्यों हो जाती है, पहले अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट कि इंटरनल एनर्जी हीट, जब काउंट रमफोर्ड ने बोला कि हीट इंटरनल एनर्जी नहीं है, जब ने आपने इसको ड्रिलिंग की आपने अपनी एनर्जी कुछ दी उसके बाद जो ये गर्म हुआ. सपोज हम एक ये सपोज चीज़ है, इससे हम हैमर से ऐसे मारते हैं, जैसे हम मारेंगे ना तो कुछ देर के बाद ये चीज़ गर्म हो जाएगी. अगर ये इंटरनल एनर्जी होती, अगर हीट इंटरनल एनर्जी होती तो ये मारने से पहले भी गर्म होती. जब हम इसको मारते हैं तो क्या करते हैं, ये वाली एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर. जैसे दो हाथ को हम रब करते हैं, पहले हीट अगर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो मतलब हीट वो नहीं है जो बॉडी की टोटल इंटरनल एनर्जी होती है. काउंट रमफोर्ड ने बोला कि हीट इंटरनल एनर्जी नहीं होती है, हीट क्या होती है कि कुछ आप काम करते हो फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी से. जैसे मैंने आपको बोला कि आपने जब इसको ड्रिल किया ना बेटा, तो ड्रिल करने के बाद ये जो किला था वो गर्म हो गया. ये जो किला गर्म हुआ वो कैसे गर्म हुआ कि आपने कुछ इसको ड्रिलिंग की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ड्रिल करते हैं, वो लाइट से चलती है ड्रिलिंग मशीन. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी, वो एक एनर्जी थी जो ड्रिलिंग की वजह से क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई किसके अंदर बेटा, हीट एनर्जी के अंदर. तो एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं होती हीट, ये काउंट रमफोर्ड ने ये क्लासिकल आइडिया रिजेक्ट कर दिया. समझ में आया, क्लासिकल आइडिया क्या था बेटा, हीट इंटरनल एनर्जी होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी होती है. तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसने रिजेक्ट किया, ये वाला कॉन्सेप्ट काउंट रमफोर्ड ने. जैसे काउंट रमफोर्ड ने बोला हीट टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं होती है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वो तो बाद में जोल ने बताया कि हीट एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन उसने ये कॉन्सेप्ट जस्ट रिजेक्ट किया, अपनी कोई थ्योरी नहीं थी. काउंट रमफोर्ड ने बस ये बोला कि ये जो इंटरनल एनर्जी नहीं है, हीट जो है ना वो किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी नहीं है, ये बात खत्म करके वो चला गया. अब आया जोल, जो मॉडर्न थ्योरी है बेटा, वो किसकी थ्योरी है, जोल थ्योरी है, जिसको हम जोल थ्योरी भी बोलते हैं. अब इस थ्योरी में क्या है, हम इसको हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें हम हीट को डिफाइन करेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है. अब हीट वो टोटल एनर्जी नहीं है जो बॉडी कंटेन करती है, वो जस्ट अमाउंट है जो ट्रांसफर करता है. कैसे बेटा, सपोज यहाँ पे आपके पास दो कंटेनर है, ये कंटेनर बेटा ये है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, सपोज ये इसके मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो इसमें जो
पहले जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, पहले हमारी जो इसकी इंटरनल एनर्जी वन है वो सपोज 10 जूल है, क्योंकि मालिक्यूल्स इसके अंदर है। तो इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। और दूसरा हमने कंटेनर लिया बी कंटेनर बेटा, उसकी जो इंटरनल एनर्जी ई टू है वो कितनी है सपोज, वो हमारी है 20 जूल। वो कितनी बेटा हमारी 20 जूल इंटरनल एनर्जी है। जब हमने इसको साथ में से रखा, मिला के रखा, फिजिकल कॉन्टेक्ट में रखा, जब इस दोनों कंटेनर को हमने ऐसे मिलाया बेटा कुछ टाइम के बाद, इसके अंदर पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी 10 जूल, फिर जब हमने इसको आपस में ऐसे मिलाया और इसकी जो वाल्स है वो बेटा क्या कंडक्टिंग है, जब दो चीज़ें आपस में मिलती है तो ये 10 जूल पहले थी, फिर ये 20 जूल जब ये आपस में मिली, तो इस ये 20 एनर्जी है तो इसका मतलब ये हॉट बॉडी है। तो बेटा जिसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है वो हमारी क्या होगी, हॉट बॉडी होगी, और जिसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी वो क्या है, कोल्ड बॉडी है। जब ने हमने इसको मिलाया, थर्मल कॉन्टेक्ट किया, तो यहाँ से कुछ एनर्जी ट्रांसफर होकर इधर, यहाँ से कुछ एनर्जी ट्रांसफर होकर इधर आ गई, कितनी आई तो हम बोले कि एवरेज एनर्जी कितनी थी इसकी, एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी थी वो उसकी थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगी। तो एवरेज एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एवरेज एनर्जी होगी हमारी ई वन प्लस ई टू अपॉन टू। एवरेज एनर्जी कितनी होगी, ई वन कितनी थी पहले 10, फिर ई टू कितनी थी 20 अपॉन टू 15 जूल। तो 15 जूल मतलब जब इसने 5 जूल एनर्जी इसको दे दी तो ये कितनी हो गई, 5 जूल आने से ये कितना हो गया बेटा 15 जूल, और 5 जूल दोने से ये भी कितना हो गया 15 जूल। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगी इंटरनल एनर्जी तो बोलेंगे अभी हीट स्ट्रोक, अब हीट जो है ना वो नहीं जाएगी। जब ये 5 जूल एनर्जी इसको दे देगी तो ये भी कितनी हो जाएगी 15 जूल, और इस ये भी कितनी हो जाएगी 15 जूल। जब दोनों की इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी ना तो हीट फ्लो नहीं करेगी। अब हीट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हीट ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना 5 जूल, इस हीट इसको हम हीट। सपोज एक बॉडी गर्म है एक कोल्ड है, जब वो दोनों एक दूसरे को टच करती है, जैसे हम ठंडे पानी को गर्म पानी से मिलाते हैं, तो गर्म पानी क्या करता है हीट को रिलीज करता है, ठंडा पानी क्या करता है उसको गेन करता है। सही है, जब ठंडे पानी को गर्म पानी को हम मिक्स करेंगे तो ठंडा पानी क्या करेगा बेटा, जो गर्म पानी हीट रिलीज करेगा ना उसको वो ले लेगा, वो गेन कर देगा। कुछ टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होगा तो हीट फ्लो नहीं होगी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दोनों के पास सेम टेम्परेचर आ जाए। अब हीट हमारी क्या है, ये 5 जूल जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होगी। पहले इसके अंदर एनर्जी कितनी थी 20 जूल, तो ये गर्म थी, इसके पास एनर्जी कितनी थी 10 जूल, तो ये ठंडी थी। जब इनको आपस में से रखा, टच करके रखा, तो 20 जूल वाले ने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, कितनी एनर्जी रिलीज कर दी 5 जूल, तो ये भी कितनी हो गई 15 जूल, ये भी कितनी हो गई 15 जूल। जब दोनों के पास सेम एनर्जी होगी तो ये फ्लो नहीं करेगी। तो अब हीट क्या है, जो 5 जूल इधर से फ्लो हुई है उसको बोलेंगे ये हमारी हीट है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या करे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से ट्रांसफर करे, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे हीट। तो टोटल एनर्जी कभी भी हीट नहीं होगी, टोटल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी। वो हमारी क्या होगी बेटा, टोटल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर होती है। आगे समझ में, यस सर।